दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। बिहार में एक के बाद एक धड़ाधड़ पुल गिरने से हड़कंप मच गया है। नीतीश सरकार अगले 15 दिनों के भीतर राज्य भर के पुल और पुलियों का सर्वे कराएगी। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के जरिए 3 दशक से पुराने पुल और छोटे पुलियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते 16 दिनों के भीतर राज्य में 10 से ज्यादा पुल बारिश और बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो चुके हैं। ACS चैतन्य प्रसाद ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। पिछले दिनों जिन नहरों की उड़ाही की गई है उनका फिर से निरीक्षण भी किया जा रहा है। हाल ही में सीवान और सारण जिलों में झाड़ी गंडकी नदी पर पुलिया ध्वस्त होने पर उन्होंने कहा कि नहरों की उड़ाही करने वाले संवेदक और संबंधित अभियंता इसके लिए प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार है। ब्रिज में हो रहे ब्रिज हादसों की चर्चा देश भर में हो रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव नीतीश सरकार से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ग्रामीण विकास और पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके पुलों के रखरखाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे। बता दें कि बिहार में नदी नालों और नहरों पर विभिन्न विभागों द्वारा छोटे बड़े पुल का निर्माण किया गया है। जल संसाधन विभाग ने भी नहरों के ऊपर आम जनता की सुविधा के लिए पुल बनाए हुए हैं। क्या सचमुच नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है? क्या कारण है कि लगातार पुल गिर रहे हैं? ये चिंता का विषय है क्योंकि हमेशा से बिहार को भ्रष्टाचार की जननी के तौर पर देखा गया है। लेकिन लगातार पुल का गिरना कहीं ना कहीं अभियंताओं, अपर अभियंता और कई एक बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने की बातें सामने आ रही है। चूंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरीके से पुलों का निर्माण हुआ है और लगातार पुल गिर रहे हैं, इससे सवालिया निशान उठना लाजमी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।